अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 6.9। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है, उसके कुछ पार्ट्स करने हैं। उसमें है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। यानी आपने कोफिशिएंट को इक्वेट करते हुए इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें वो कहता है 2x + 5y = -1। ये आपके पास इक्वेशन है, इसमें आपके पास कॉफिशेंट जो है वो 2 है। यानी किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो वो कांस्टेंट वैल्यू आपका आपके पास कॉफिशेंट होता है। अब हमने करना क्या है इसमें कि आपने दो इक्वेशंस आपको दी होंगी, उनमें से किसी भी वेरिएबल के कॉफिशेंट को इक्वेट करना है। वहाँ से उसकी वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के बाद आपने वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने कोफिशिएंट को इक्वेट करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 2x + 5y = -1, x - 2y = 4 के। अब हमने करना क्या है, या तो x जो वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने का मतलब कि दोनों जो आपके पास इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस में जो x पाया जा रहा है उनके साथ जो मल्टीप्लाई होने वाला कोफिशिएंट है वो इक्वल होना चाहिए। यानी अगर 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस x के साथ भी 2 ही होना चाहिए, फिर ही वो दोनों वेरिएबल्स के कोफिशिएंट इक्वेट होंगे और आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम इस इक्वेशन को हम कह देते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम कह देते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने इसको इक्वेट करना है, या तो मैं इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को, या तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तब आपकी इसके साथ ये इक्वेट होगा। अगर हम कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें आपने y को इक्वेट करना होता है तो उसमें y के दोनों कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है आपने, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बन रही। यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर 5 बन जाए या यहाँ पर 2 बन जाए। तो यहाँ पर 2 बनाना आसान है, क्योंकि मैं अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर आराम से 2x आ जाएगा। तो अब करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, यानी 2 के साथ मैंने सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, यानी दोनों साइड पर ये मल्टीप्लाई होगा। अब इसको इक्वेट करें, आपके पास देखा 2x - 2 2 = 4y = 4 2 = 8। यानी आपके पास एक न्यू इक्वेशन बन गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो उसके वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट था वो इक्वेशन नंबर 3 में जो यूज़ हो रहा है वेरिएबल x, उसके साथ जो कोफिशिएंट था 2, वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। यानी अगर हम इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास x जो है वो इलिमिनेट हो जाएगा और वहाँ से y की वैल्यू इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जी, तो ये मैंने इक्वेशन लिखी है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए इक्वेशंस में आपके पास, अलजेब्रिक इक्वेशंस में आपके पास रूल क्या होता है, आपने साइन नीचे वाली इक्वेशन का चेंज कर देना होता है। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब इसको प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास एक्स जो है वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बचा आपके पास, वाई। तो 5y और पॉजिटिव 4 दोनों आपस में ऐड होकर आपके पास आ जाएगा 9y इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस होगा, 8 और 1 9 आ जाएगा, लेकिन माइनस 9 आएगा। अब यहाँ पर वाई की वैल्यू माइनस 9, ये 9 इधर आकर डिवाइड हो गया, 9 9 से कैंसिल हो गया, आपके पास माइनस 1, यानी वाई की वैल्यू माइनस 1 आ रही है। ठीक है, यहाँ से वाई की वैल्यू अगर जब आप निकाल लें तो आपने अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बहुत आसान काम है। अब वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, जो आपके पास गिवन इक्वेशंस हैं उनमें किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम लेट्स सपोज मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 ले रही हूँ तो मैं इसमें वाई की जगह पर वाई की वैल्यू पुट कर दूंगी। तो अभी इसको पुट करके देखते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में मैंने वाई की वैल्यू माइनस 1 पुट कर दी, आपके पास पूरी इक्वेशन थी 2x + 5y = -1, ये वाई की वैल्यू है। इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 1 5, लेकिन प्लस माइनस माइनस 5 = -1। ठीक है, 2x - 1, ये 5 माइनस का है तो यहाँ पर आकर प्लस का हो जाएगा, प्लस 5। 2x = 5 में से 1 को माइनस करें, आपके पास 4 आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, x = 4/2, 2 2 = 4, तो ये पॉजिटिव आपके पास 2 आ जाएगा x की वैल्यू। ये आपके पास x की वैल्यू है, ये आपके पास y की वैल्यू है।
ये एक्स की और जो वाई की वैल्यू हमारी निकली है, अब हमने वेरिफिकेशन करनी है क्या ये वैल्यू सही है या नहीं है। तो एक्स और वाई की वैल्यू आप गिवन इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें, और अगर आपके पास पुट करने के बाद सिंपलीफाई करें तो आपके पास अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, दैट्स मीन कि आपके जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रही हूँ वेरिफिकेशन के लिए, उसमें मैं एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट करती हूँ। ठीक है, फॉर वेरिफिकेशन मैंने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ली है, उससे मैं वेरीफाई करना। आप फर्स्ट इक्वेशन भी ले सकते हैं, सेकंड भी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन आपने जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट करनी है उसमें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ इक्वल आनी चाहिए। अब यहाँ पर 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 1 2 इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड करें, आपके पास 4 इक्वल टू 4 आ गया, यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। दैट्स मीन कि आपका जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं, जो सॉल्यूशन आपके पास आया है वो बिल्कुल सही है। मीन जो सॉल्यूशन सेट है वो आपका क्या बनता है, एक्स की वैल्यू आपके पास 2 है और वाई की वैल्यू आपके पास -1 है, तो वो आप यहाँ पर सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे -1, और यही आपके पास सॉल्यूशन सेट है, यही आंसर है आपका। नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, वो आपका है 2x+3y=3 एंड x+5y=5। इस क्वेश्चन को करते हैं, तो सबसे पहले तो आप इक्वेशंस के नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1 और ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इक्वेट करना है, या तो आप एक्स की जो कॉफिशेंट्स हैं उनको इक्वेट करें या वाई के कॉफिशेंट को। वाई के कॉफिशेंट इक्वेट नहीं हो सकते क्योंकि 3 और 5, यहाँ पर 5 बनाना यहाँ पर 3 बनाना जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम 2 बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सेकेंड वाली इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन को मैंने 2 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास 2x+10y=5, 2 10 आ गया, ये आपके पास आ गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इनके एक्स वेरिएबल जो हैं वो उनके कोफिशेंट सेम है, अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन नंबर 1 इक्वल 3 और इक्वेशन नंबर 3। सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनके साइन हम चेंज कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 3 निकाले आपके पास 7 आता है, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगा। 10 में से 3 को माइनस करें आपके पास 7 आता है, -7। अब वाई की वैल्यू -7/-7 इधर ले आएँ तो ये कैंसिल होकर आपके पास 1 आ रहा है, तो वाई की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। वाई की वैल्यू को अब आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने लगी हूँ, 1 में करने लगी, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगी हूँ। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1, 2x+3 ये प्लस वाई है, +1 है, =3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2x+3=3, 2x 3, ये 3 इधर आकर -3 हो जाएगा, तो 2x=, ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये जब x 0 इस साइड पे जाकर डिवाइड होगा तो 0 को जिस मर्जी नंबर पे डिवाइड करें आपके पास 0 ही आता है, यानी x की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है। वेरिफिकेशन के लिए एक इक्वेशन ले लेनी है, चाहे वो आप इक्वेशन नंबर 1 ले लें या 2 ले लें, उसमें x और y की वैल्यू पुट करके चेक कर लेना है। तो इक्वेशन नंबर 2 ले रही हूँ मैं। सेकेंड इक्वेशन में वेरिफिकेशन के लिए एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट करनी है, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, वो आप इसमें पुट करेंगे 5। इसको सिंपलीफाई कर लें, या देखा 5 × 5, यानी ये दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, इट्स मीन कि आपकी एक्स और वाई की वैल्यू करेक्ट है, और आपका जो सोल्यूशन सेट है वो बनता है एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1, और यही आपका सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 6 ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5, और उसमें क्वेश्चन दिया है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें इस पहले तो इक्वेशंस को नाम दे दें, क्वेश्चन नंबर 1 और ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों के या तो एक्स के कोफिशेंट को इक्वेट करें या फिर वाई के कोफिशेंट को इक्वेट करें। एक्स के कोफिशेंट को इक्वेट में करने जा रही हूँ, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपके पास यहाँ पर 6 बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3,
फर्स्ट इक्वेशन का जब मैंने मल्टीप्लाई किया आपके पास ये इक्वेशन आ गई, इसको आप थर्ड इक्वेशन का नाम दे दें। अब यहाँ पर 6x बन गया और यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर भी 6 बनाने के लिए मुझे इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, आपके पास ये इक्वेशन बनी है, यानी आपके पास एक्स का कोफिशिएंट और इस वाले एक्स का कोफिशिएंट सेम आ गया। ये इक्वेशन नंबर 3 थी, ये इक्वेशन नंबर 4 बनी है। अब आपके पास जो न्यू इक्वेशन 3 और 4 बनी है, इन दोनों इक्वेशन में एक्स के कोफिशिएंट हमने इक्वेट कर लिए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें से एक्स वाली जो इक्वेट की है उसको एलिमिनेट कर देना है, तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4, इन दोनों इक्वेशन को अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, तो आपके पास आ जाएगा 19y, और यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा, मतलब ज़ीरो ही है, तो यहाँ पर 18 आएगा लेकिन पॉजिटिव। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18, और ये 19 इधर आएगा तो ये देगा -19, यानी ये y की वैल्यू आपके पास आ गई। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके वहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रही हूँ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, 2 भी ले सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं इस दफ़ा। पुटिंग वैल्यू 5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली जो वैल्यू आई थी यहाँ पुट कर दी है। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, अब 2x माइनस माइनस प्लस 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 54/19 इक्वल टू 6। 2x इक्वल ये वाला 6, ये प्लस वाली वैल्यू इधर आकर माइनस हो जाएगी, माइनस 54/19। अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम इसका 19 ही आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 54 माइनस 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 114 आएगा, इसको 2x, ठीक है, 2x इक्वल टू इन दोनों को माइनस करेंगे, आपके पास 60/19 आ जाएगा x की वैल्यू। अब यानी 2 हम इधर ले आएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा x इक्वल टू 60/19 इंटू 2। अब 2 जो है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, 2 वन ज़ा 2, 2 थ्री ज़ा 6, 0 आ जाएगा, यानी आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है 30/19, ठीक है, ये x की वैल्यू है, और आपके पास ये आई थी y की वैल्यू। इन दोनों वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में, और वहाँ से हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ली थी इक्वेशन नंबर 1 जहाँ पर मैंने y की वैल्यू फाइंड की। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं जहाँ से हम वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन, ठीक है, मैंने इक्वेशन नंबर 2 ली है, x की वैल्यू पुट करेंगे, अब 30/19 आई है, y की वैल्यू पुट करेंगे, अब आपके पास आई है -18/19। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 90/19 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस साइन, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90/19, यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास आ रहा है 0, विच इज़ इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड, यानी आपकी जो एक्स और वाई की वैल्यू जो निकली है वो बिल्कुल सही है। इट्स मीन कि आपके पास जो सोल्यूशन सेट आया है वो है एक्स की वैल्यू 30/19 और वाई की वैल्यू -18/19, ये आपके पास सोल्यूशन सेट आया है और यही आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, हम 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, नेक्स्ट ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 6, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों, ये सारे क्वेश्चन सेम इसी तरह हैं जैसे हमने ये वाले 3 किए हैं, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है।